हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका अर्जुन सर एक बार फिर से आपके महेंद्राज यूट्यूब चैनल पर आया हूं। और आज हम सिलेक्शन एसएससी के सीजीएल 10+2 सीपीयू सीरीज में मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट लॉस का पार्ट 8, जो इसका 1-7 पार्ट है, वो उसका ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप अर्जुन महेंद्राज प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करके उसको आप लोग देख सकते हो और जो पिछले के पार्ट है उनको सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें कि भाई 7 से अधिक इयर्स का हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमने इन दो एग्जाम्स में आरआरबी का एनटीपीसी 2015 और एसएससी का सीजीएल 2018 इनमें सिलेक्शन लिया हुआ है। और जो नीचे के एग्जाम्स है उन सब में किसी न किसी स्टेज तक मैं पहुंचा हूं, मतलब कोई ना कोई एग्जाम मैंने वहां पे निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रोज शाम को 6:30 बजे हम क्लास लेके आते हैं आप लोग की मैथ्स की। ठीक है, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एसएससी के सीजीएल सीएचएल सीपीओ 2020 के प्री मैथ क्लासेस की। तो अगर आप लोगों को इस क्लास के लिंक चाहिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को, तो आप लोग @arjunmath पर जाके जुड़ सकते हैं। वहां पर कई सारे बच्चे आपके साथी हैं जो वहां पे पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी मेरे फेसबुक पेज arjun95 को लाइक कर सकते हैं या मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप arjun11 सर्च करके मुझको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज जो मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ वो क्वेश्चन हमारे थोड़े टफ लेवल के हैं। आपको आराम से करने पड़ेंगे। मैं हर क्वेश्चन में आपको समय दूंगा 1 मिनट का। ठीक है, तो पहले हम बता दें कि भाई एसबीआई क्लर्क का जितने लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ है सबको कांग्रेचुलेशन। तो मेंस का बैच हमारा शुरू हुआ है जहां पे आप लोग को शाम के 5:30 से रात के 9:30 तक चारों फैकल्टीज जो इंडिया के टॉप की हैं ये आप लोगों को इंग्लिश, जीए, मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। जिनका भी मेंस का बैच लगा हुआ है, एग्जाम लगा हुआ है, वो सभी इस बैच को महेंद्राज के ही यूट्यूब चैनल पर अवश्य से अवश्य ज्वाइन करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर पे महेंद्राज का जो न्यू ऐप है, उसको सब लोग डाउनलोड कर ले। केवल सर्च करना है महेंद्राज ऐप, तो वहां पे आप लोग इसकी जो लाइव क्लासेस है, मतलब पेड जो कोर्स होते हैं, या रिकॉर्डेड लेक्चर या स्पीड टेस्ट सब दे सकते हैं। मतलब ऑल इन वन हो चुका है, बहुत आपको अच्छा ये ऐप लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा इसी पे आगे बढ़ाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो भाई सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट लॉस के हम 1-7 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो बेसिक तो आप लोग अगर पढ़ते हो लगातार तो क्लियर होगा। फिलहाल दो तरह के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हम जिस पर कोई सामान सेल करते हैं, और कॉस्ट प्राइस का मतलब बेचने के समय तक उसका टोटल क्या प्राइस हो गया है। तो अगर सीपीएसपी गिवन है, 3 केस पॉसिबल होते हैं कि हम अधिक का लाए कम का बेचे तो प्रॉफिट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? एसपी माइनस सीपी। और अगर अधिक का लाए कम का बेचे तो हमें लॉस होगा, जिसकी वैल्यू सीपी माइनस पी। और अगर सीपीएसपी के बराबर तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये कुछ सिंपल सी वैल्यू है। और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि एसपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ऑफ सीपी, और लॉस के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 ऑफ सीपी। सबको मेरा गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पर हम लास्ट टाइम आप लोग को छोड़ के गए थे। ये हमारा कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जहां पे ये सेलिंग प्राइस नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन करने को दे रहा हूं। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो, निकालने की ट्राई करो, बताओ भाई क्या आंसर बनेगा। एवरीवन वेरी गुड, जितने लोग यहां जुड़ चुके हैं सब लोग को मेरा गुड इवनिंग। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आपको 1 मिनट का मैंने यहां पे समय दिया है, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें। हिंदी में भी है क्वेश्चन, हिंदी में भी लिखा हुआ है। राजा कुमार सर, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में ही चलेगा। वैसे तो क्या कह रहा है कि एक दूध वाले ने 32 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदा और उसमें 9 लीटर पानी मिलाया, और 40 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर उसको 40% का लाभ हुआ। दूध वाले द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा का पता लगाएं। बोलो भाई, गुड इवनिंग। राजेश सर, हम हिंदी में ही बता रहे हैं, सब लोग ट्राई करें। अभी किसी का आंसर नहीं आया है, टाइम अप होने वाला है। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो टाइम खत्म हो चुका है, आप सुनो। मिल्क मान लो ये जितना भी मिल्क लाया था उसको ये लाया कितने में? 32 रुपए पर लीटर में। तो ये हमारा कुल सीपी हुआ। बोलो ये हमारा क्या हुआ? कुल कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इसका 140% जब इसने लगाया है, मतलब प्रॉफिट लगा के, तो मिल्क प्लस वाटर को इसने बेचा कितने रुपए में है? 40 रुपए में। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई ये हमारा कुल क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा।
ठीक, और ये हमारा कुल क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा भाई। मिल्क के साथ वाटर को बेचा है ना इतने 40 में, तो अब ये हमारा कटेगा 7 बार, 20 से ये 5 बार, ये 8 से 4 बार, और ये 8 से कितने बार, 5 बार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 मिल्क, और ये बराबर किसके होगा, 25 मिल्क और प्लस 9 पच्चे 45, 45 5 कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ से थ्राइस ऑफ मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, 225। तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, 75 लीटर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप बहुत आराम से बना सकते हैं, तो समझ में आ रहा है, रेशियो लेके भी कर सकते हैं, बट ये तरीका आपका एकदम आसान जाएगा, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कि मिल्क आपका 32 रुपए से था कुल सीपी, और आपने मिल्क के साथ वाटर मिला के बेचा कितने में है, 40। तो ये सीपी है, ये एसपी है, इसका 140% ही तो हमने प्रॉफिट लिया था। हमने प्रॉफिट कितना लिया था उसका, 140% भाई, 40% प्रॉफिट है, तो बेचेंगे हम कितने में, 140% में। 140% को हमने बराबर किसके रखा, सेलिंग प्राइस के, तो हमारा यहाँ पे सीधा आंसर आ गया। ठीक है, प्रतिजा मैम, साक्षी मैम, वेरी गुड। ठीक है राजा कुमार सर, केवल अर्जुन महेंद्राज, आप लिख दीजिएगा अर्जुन महेंद्राज, और प्रॉफिट एंड लॉस खुल के चला आएगा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो और निकालने की ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट ले सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मटेरियल पी क्यू एंड आर इज 19, 25, 27। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट इज 7:10:4। ये प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है। ठीक, अब इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल पी एंड क्यू इज 400 and 500 रेस्पेक्टिवली, देन वॉट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 मटेरियल्स। ये हमारा क्वेश्चन है पहला। अच्छी मैम, इसको रेशियो से देखते हैं, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करें बाकी लोग। चलो भाई देखो, सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें गिवन, सेलिंग प्राइस का, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें पी क्यू आर के लिए कितना गिवन है, 19:25:27। ठीक, अब देखो प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है 7:10। हम एक काम कर लें, हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि अगर हम देखें एस पी ऑफ पी अपॉन एस पी ऑफ क्यू, ये हमारा 19/25 है। अब पी और क्यू का पी और क्यू का हमें सी पी गिवन है, तो एस पी कैसे लिख सकते हो, 400। तो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है, आप इनके एस पी का रेशियो कितना, 19:25। तो पी के लिए 400 का 100+7x/100, क्योंकि वो प्रॉफिट परसेंट था ना, और Q के लिए 500 का 100+10x/100, इसी का रेशियो हमारा कितना है, 19/25। पहले बताओ ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, कि इनके SP का रेशियो, और SP क्या होता है, CP इंटू 100+ प्रॉफिट परसेंट। तो हमने A का प्रॉफिट परसेंट कितना लिया है, 7x, और B का प्रॉफिट परसेंट कितना लिया है, 10x। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और ये हमारा 5 से कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, तो ये हमारा 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा, 2000, और प्लस 5 चौक 20 = 140x, ये बराबर किसके होगा, 1900+190x। तो यहाँ से 50x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, अब जब x की वैल्यू 2 आ गई है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो sp ऑफ p होगा, sp ऑफ p हमारा कितना होगा, 400 का 114%। 114% क्यों भाई, देखो इनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना था, इनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है 7:10:4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14%, 2 आया ना एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा 20%, और ये कितना हो जाएगा, 8%। तो हम लोग यहाँ से, एक सेकंड रुकिए आप लोग, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एस पी आएगा पी का, वो हमारा कितना हो जाएगा, 456 रुपये, वो कितना हो जाएगा, 456 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, कंबाइंड एस पी निकालना है। तो अगर 19 का मान 456 रुपये है, तो यहां से 1 का मान कितना हो जाएगा, 24 रुपए।
और हमें तो कंबाइंड एसपी निकालना है, तो कंबाइंड एसपी हमारा कितना है भाई, 25 25 25 50, तो 52 52 62 कितना होगा, 71 होगा। तो यहाँ से 71 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 71 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1704 रुपए, क्योंकि एक ही में चार आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1704 रुपए। अब पहले बताओ कि क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। इनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना था, 7:10:4, और हमें पी और क्यू का सीपी गिवन था, तो हमने क्या किया कि एसपी का रेशियो है पी और क्यू का 19:25, एसपी ऑफ पी अपॉन एसपी ऑफ क्यू, तो पी के लिए 400 का 100 प्लस 7x/100 और क्यू के लिए 500 का 100 प्लस 10x/100, ये हमने एसपी का रेशियो निकला और सीधे इसको सॉल्व किया, एक्स निकाला, तो पी का प्रॉफिट भाई अगर ये एक्स है तो ये हमारा 7 कितना होगा, 14%, 10 हमारा कितना होगा, 20%, और 4 हमारा कितना होगा, 8%, तो P का SP कितना होगा, 400 का 114%, 456, तो अब ये 456 रुपए तो SP है P का, तो 19 की वैल्यू अगर 456 है तो 1 की वैल्यू 24, तो टोटल 71 की वैल्यू क्या होगी, 1704 रुपीज। क्लियर हुआ, बिल्कुल से संदीप्ता मैम, चलो अगर क्लियर हो गया है तो बिल्कुल सेम तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरह का अगला क्वेश्चन है, आंसर निकाले, सेम क्वेश्चन है, आंसर निकाले। चलो भाई सबको मैं समय दे रहा हूं, एक मिनट का टाइमर शुरू कर दिया है मैंने, क्वेश्चन करो, ट्राई करो, कठिन नहीं है, सबका बन सकता है। नीता मैम, स्मृति मैम, साक्षी मैम, प्राची, अभय, शिवांश, सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। सेलिंग प्राइस पी क्यू आर का रेशियो है 29:27:32 और परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो है 4:2:5। अगर कॉस्ट प्राइस पी और क्यू की इक्वल है तो हमको, और आर का कॉस्ट प्राइस 480 है, तो हमको ओवरऑल गेन परसेंट चाहिए लगभग में, बोलो भाई। शुभम 18:15%, अरे शुभम सर बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया, क्या बात है। देखो जरा इनके एस, हमने पी और क्यू को मान लो ले लें, ठीक, तो देखो सीपी ऑफ पी इसका 100 प्लस 4x/100, हालांकि 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाता है, अपॉन सीपी ऑफ क्यू का 100 प्लस 2x/100, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 29/27, तो ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे, बोलो भाई, और 100 से 100 कट जाएगा तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2700 और प्लस 108x, और ये बराबर किसके होगा, 2900 और प्लस कितना, 58x, तो यहाँ से 50x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200, तो x हमारा कितना आ गया, 4x, अगर 4 आ गया इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितने का है, 16% का, इसका प्रॉफिट कितने का है, 8% का, और इसका प्रॉफिट कितने का है, 20% का, बोलो क्लियर हुआ। तीसरे का प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, 20%, क्योंकि एक्स हमारा कितना आया, 4 आया है, और हमने प्रॉफिट परसेंट पे ही तो इनका एक्स वगैरह माना था, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि अथवा 4 आ गया, अब ये जो 29:27:32 है, ठीक है, एसपी का इनका रेशियो कितना है, 29 और 27 और 32, तो ये कुल हमारा कितना है, 88 यूनिट है, बोलो। तो पहले के लिए 116% की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, 29, बोलो, 4 बार कट रहा है, 29 से कितने बार कट रहा है, 4 बार, इसका मतलब 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 25 बनेगी, बोलो। दूसरे के लिए 108% की वैल्यू कितनी बनी, 27 बनी, है ना, तो यहाँ भी 4 बार कट रहा है, क्यों भाई, तो यहाँ से भी 100% की वैल्यू 25, वैसे भी इनका सेम ही था। अब अगर तीसरे के लिए अगर हम बात कर लें तो 120, तीसरे का तो 20% प्रॉफिट है ना, 120% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 32, तो 8 से गया ये कितने बार, 4 बार, 8 से गया 15 बार, ठीक, या इसको 8 से ना काट के हम
अरे सीधे भाग कर दे, 80/3 आ रहा है क्या? हाँ, 100% की वैल्यू ये हमारी कितनी आ जा रही है? 80/3। 80/3। अरे 4 से काटोगे? बोलो, या 20 से भाग करके 5 से गुणा कर दो, बात सेम है। ठीक, अब देखो टोटल जो हमारा सीपी है, एसपी 88 है, तो सीपी हमारा कितना है? एक सेकेंड, जरा सीपी को जोड़ लें हम। सीपी हमारा कितना है? 25 और प्लस 25 और प्लस 80/3 है ना, इसको लिख लेते हैं 80 और अपॉन कितना 3, तो लगभग में ये हमारा कितना हो जाएगा? 50, 150। तो ये हमारा हो जाएगा 230/3। सीपी कितना होगा? 230/3 का होगा। ठीक, और एसपी हमारा 88 है, तो 88 को हम ऐसा करें, अगर 3 में चेंज कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 264/3। अब देखो ये इसका एसपी है, ये सीपी है, तो देखो 264 और 230, प्रॉफिट हमारा कितने का आ गया है? 24 और 2। ठीक है, तो 34 का प्रॉफिट है कितने पर? 230 पर, और इनटू कितना? 100 गया, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और ये 23 से पहले कितने बार जाएगा? एक बार, 11 बचेगा, और फिर हमारा कितने बार जाएगा? 115 होता है, तो 14 पॉइंट कितना, लगभग 1.47 आ रहा है। अरे बोलो, ये हमारा 1.47 है, तो ये 14.7% हमारा आ रहा है ओवरऑल, इसका मतलब लगभग में हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 15%। ठीक, इस 77 कहां से आ रहा है राठौर सर? राठौर सर 77 कहां से आ रहा है? इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। अरे देखो, हमने रुपए का इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने एक बात देखा, हमने इनके रुपए का इस्तेमाल किया ही नहीं, हमने इनके रुपए का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, हम सीधे ही रेशियो पे काम करते चले गए। ठीक है भाई, ये इनका हमने 3 से क्यों भाग किया, गुणा किया, क्योंकि भाई यहां 3 था, तो 230 सीपी है, 264 हमारा एसपी है, 34 के प्रॉफिट, 230 गुणे 100। ठीक, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जरा अगला देखो, ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो। टाइमर शुरू कर दिया है मैंने, ये भी आपका टाइमर 1 मिनट का ही है, ट्राई करें क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो भाई, एवरीवन ट्राई करें कैसे बनेगा। सेलिंग प्राइस का रेशियो है 8:9:5 और प्रॉफिट पर्सन का रेशियो है 8:7:14। ठीक है, एसपी का रेशियो एबीसी का कितना है? 8:9:5 और इनके प्रॉफिट पर्सन का रेशियो है 8:7:14। अब क्या कह रहा है कि ए का प्रॉफिट परसेंट, ए का जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए, ये हमारा कितना है? 14.28%, जो हमारे लिए 1 यूनिट की वैल्यू है, तो मतलब 8 यूनिट की वैल्यू। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू है 1/7, क्या है ये? प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए है, तो जो प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी है, देखो अगर 8 की वैल्यू 1/7 है, अगर 8 की वैल्यू 1/7 है, तो क्या 7 की वैल्यू 1/8 होगी? और इसी तरह सी का प्रॉफिट परसेंट है 14, 2 से गुणा कर दो, 14 की वैल्यू 1/4 होगी, तो ये हमारा ए का प्रॉफिट परसेंट है, ये बी का प्रॉफिट परसेंट है, और ये सी का प्रॉफिट परसेंट है, तो ये हमारा सीपी बनेगा, ये इसका सीपी बनेगा, और ये इसका सीपी बनेगा, ये किसका है? बी का है, ये ए का है, और ये किसका है? सी का है। तो अगर ये हमारा 7 है, तो ए का एसपी कितना बनेगा? 8 यूनिट, बी का एसपी कितना बनेगा? 9 यूनिट, और सी का एसपी कितना बनेगा हमारा? 5 यूनिट, जो हमें 8:9:5 गिवन है। बोलो, तो इनके सीपी का रेशियो सीधे से 7:8:4 आएगा। बोलो भाई, अब इसने कहा है कि बी की लागत मूल्य 400 रुपए है, बी की लागत मूल्य कितनी है? 400 रुपए है। ठीक है,
अब देखो जरा, तो अगर 8 की वैल्यू हमारे पास 400 रुपए है तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 50 रुपए। अब ये हमारा रेशियो कितने का है, सीपी का। तो यहाँ प्रॉफिट है 1 यूनिट, यहाँ प्रॉफिट है 1 यूनिट, यहाँ प्रॉफिट है 1 यूनिट। इसका मतलब 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 150 रुपए। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हमें समग्र लाभ बताएं, ओवरऑल प्रॉफिट बताएं। बताओ भाई, समझ में आ रहा आप लोगों को, समझ आ रहा है? देखो प्रॉफिट परसेंट का रेशियो, इनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना था, 8, 7 और 14। तो ए का प्रॉफिट जो 1/7 है वो 8 की वैल्यू है, तो 7 को यहां भेज दो, 8 को यहां भेज दो। तो अगर 8 की वैल्यू 1/7, समझाते हैं सुनो, इनके एसपी का रेशियो था 8, 9, 5, उसको हमने किनारे रखा। ए का प्रॉफिट परसेंट क्या गिवेन है, 14.28%, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 8, 7, 14। तो 14.28% की वैल्यू क्या होती है, 1/7। तो 8 यूनिट की वैल्यू 1/7 है, 7 को वहां भेजो, 8 को यहां भेजो, तो 7 की वैल्यू 1/8, 2 से गुणा करो, 14 की वैल्यू 1/4। 8, 7, 14 ही तो प्रॉफिट परसेंट के रेशियो थे जो 1/7, 1/8, 1/4 मिले। तो ए का सीपी 7 है, एसपी 8, बी का सीपी 8 है, एसपी 9, सी का सीपी 4 है, एसपी 5, और ये 8, 9, 5 हमें गिवन थे। इसका मतलब सीपी का रेशियो भी 7, 8, 4 ही होगा। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। चलो क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा आप लोग का ढका हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। चलो क्या कह रहा है पढ़ो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ए शॉपकीपर बॉट 2750 गुआवा एंड 1210 ऑरेंज एट सेम प्राइस। ठीक है, मतलब 2750 गुआवा का और 1210 ऑरेंज का, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अरे टाइमर शुरू नहीं किया, आप लोग पहले ट्राई करो। पहले ट्राई करो आप लोग। शुभम राठौर से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे यूनिट से कंपेयर कर सकते थे। शुभम सर सीधे वैल्यू से कंपेयर कर सकते थे। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी देख लो आप लोग। सीपी यहां पे क्या है, सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ही सेल्स इन सच अ वे दैट ही कैन बाय 406 गुआवा विद द सेल ऑफ 322 गुआवा एंड ही कैन बाय ओनली 289 ऑरेंजेस विद द सेल ऑफ 391 ऑरेंजेस। ठीक है, तो अब यहां से एक बात जरा देखो कि 406 गुआवा का सीपी ये बराबर किसके है, 322 गुआवा के एसपी के। थोड़ा मैं किनारे से लिखता हूं ताकि आप लोग को देखने में क्लियर हो। ठीक है, देखो 406 गुआवा का सीपी बराबर किसके है, 322 गुआवा के एसपी के। अब ये हमारा 2 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 से कितने बार, 5 बार, 8 बार। 7 से कितने बार, 4 बार, 6 बार, 2 से काट दो। तो गुआवा का सीपी गुआवा का एसपी रेशियो कितना आ गया, 23:29। आगे पढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है, ही कैन बाय 289 ऑरेंजेस का सीपी ये बराबर किसके, 329 ऑरेंज के एसपी के। 17 × 34 = 51, 17 तो ऑरेंज का सीपी और ऑरेंज का एसपी का रेशियो कितना आ गया, 23:17। बोलो भाई, तो यहां पे देखो आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या है, 6/23 × 100, और यहां से हमारा लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट की वैल्यू क्या है, 6/23 × 100। ये दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। अब देखो दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपस में क्या है, बराबर है, और सीपी हमारा क्या सेम है। इसका मतलब क्या है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो आंसर क्या आ गया, 0% प्रॉफिट। क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो भाई कुछ क्लियर हुआ।
भाई देखो, इसने इनको इनको सेम प्राइस पर खरीदा, तो इन दोनों के सीपी क्या हुए? सेम। और ग्वावास का प्रॉफिट परसेंट ऑरेंजेस के लॉस परसेंट के इक्वल है, तो अगर सीपी सेम है तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी तो इक्वल लेकिन निकलेंगे, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ओवरऑल में। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमारा कितने का हो गया? जीरो का हो गया। नहीं क्लियर हुआ? फिर से बताएं, फिर से बताएं। देखो तो पहले इसने क्या कहा था कि 27.50 गुआवा ये जितने का लाया उतने का 12.10 ऑरेंजेस लाया, उनके सीपी से मूल। अब क्या कहा कि 406 गुआवा खरीद सकता है 322 के सेल पर, तो 406 का कॉस्ट प्राइस 322 के सेलिंग प्राइस के क्या हो गया? सेम। तो हमने इनका रेशियो निकाला, तो प्रॉफिट परसेंट 6/23 × 100। ऐसे दूसरे में किया तो यहां पे देखो 6 का लॉस है 23 × 100, तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल है। तो अगर सेम सीपी पे प्रॉफिट लॉस परसेंट इक्वल होंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो हम लोग कहेंगे 0% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो परेशान नहीं होना है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो और निकालने की ट्राई करो जल्दी से। हाँ क्लियर, ओके ओके, अब करो। क्या कह रहा है? ए पर्सन मिक्सेस 10% वाटर इन द सॉल्यूशन बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, सो ही अगेन मिक्सेस 10% मोर वाटर इन द प्रीवियस मिक्सचर। मतलब क्या है कि मान लो 10% वाटर इन द सॉल्यूशन, अगर 100 लीटर हमारा कोई मान लो क्या था, मिक्सचर था, मान लो मिल्क था, ठीक है, तो इसमें 10 लीटर ये मिला देता है वाटर, ठीक। तो अब ये हमारा कुल कितना हो गया? 110 लीटर का मिक्सचर, ठीक। अब इसमें ये क्या कर रहा है? इसमें ये मिक्सचर हो गया, अब इसमें इसका 10% मतलब 11 लीटर वाटर मिला दे रहा है, तो अब ये कुल हमारा कितना हो गया? कुल हमारा कितना हो गया? 121 लीटर का मिक्सचर बन गया, ठीक। अब पॉइंट क्या है कि इसने मिल्क कितना लगाया था? 100 लीटर, और मिक्सचर हमारा कितना हो गया? 121 लीटर। तो सिंपल सी बात है कि मिक्सचर को ये 121 रुपए का बेचेगा और लगाया मान लो कितना था? 100 रुपए। तो सिंपल सा आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसको 21% का सिंपल सा प्रॉफिट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है? इसको सिंपल सा प्रॉफिट कितने का होगा? 21% का। क्लियर? चलो अगर ये क्लियर हो गया है, अब जरा अगला क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बताओ कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आपका टाइमर शुरू कर रहा हूं मैं, 1 मिनट का आपका टाइम है, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलो भाई परेशान नहीं होना है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज X-1800 X-1800 ईशा इनकर्ड ए लॉस इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट सी वुड हैव गेन्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज दिस। मतलब क्या है कि इतने का बेचा तो कोई लॉस हुआ, जो इतने का बेचने पर प्रॉफिट का आधा है। अब x की वैल्यू निकालो, अगर 27.5% का प्रॉफिट लेकर ये 8,925 रुपए का बेचता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो पहले एक बात सुनो, पहले इसने बेचा है X-1800 रुपए का, ठीक, और फिर इसने बेचा है X+2700 रुपए का, ठीक है, तो बीच में कहीं सीपी होगा, ठीक। अब अगर यहां पे आपका हाफ ऑफ प्रॉफिट है, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपका हम मान लें कोई 2 यूनिट, तो यहाँ पे लॉस आपका 1 यूनिट होगा। बोलो, और इनका इनका डिफरेंस कितने का है? 4500 का। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3 की वैल्यू क्या है? 4500, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1500। तो जो हमारा आर्टिकल का सीपी आएगा वो तो X-1800 और प्लस कितना? 1500। तो आर्टिकल का सीपी कितना आ गया? X-300, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो 8925 है,
ये 27.5% प्रॉफिट पर है, तो सीपी के 127.5% की वैल्यू है, सीपी के 127.5% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो वही तो हमारा सीपी आएगा। तो पॉइंट से जीरो बार गया तो इससे हमारा ये पूरा 7 बार कट जाता है, ठीक है। तो एक्स माइनस 300 हमारा कितना हो गया, 7000। इसका मतलब आर्टिकल का जो हमें एक्स निकालना था, सॉरी सीपी तो हो गया 7000, लेकिन एक्स हमारा कितना होगा, 7300। क्लियर हुआ, बोलो भाई क्वेश्चन अच्छा लगा? यहां की कहानी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं भाई। एक्स माइनस 1800 का था तो लॉस हुआ, और एक्स माइनस एक्स 2700 का था तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का हाफ है लॉस। तो यहाँ इनका डिफरेंस है 4500, जो 3 यूनिट के बराबर है। 3 का मान 4500 का 1500, सीपी आ गया एक्स माइनस 300। अब 127.5 सेलिंग प्राइस है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 8925 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, सीपी होगी। पॉइंट को हटाया, जीरो से मल्टीप्लाई किया, 7 बार कट गया, तो एक्स हमारा कितना आ गया, 7300। ठीक है, गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आप सबको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो और निकालने की ट्राई करो जल्दी से, हरी अप। गुड, ट्राई करो सभी लोग। केवल प्रॉफिट परसेंट का काम है, और सीपी एक का गिवन है, एक का निकालना है। ट्राई करो, बनेगा, सबका बनेगा, मैं जानता हूं। टाइमर जा रहा है आप लोगों का, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। टाइम खत्म हो गया है। अब देखो, सीपी पहले का 120 है और प्रॉफिट परसेंट है x प्लस 30%। अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ाते हैं तो सेलिंग प्राइस सेम रहता है और प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट x माइनस 20% हो जाता है। तो देखो, सीपी हमारा इनिशियली अगर 120 था तो सीपी हमारा बाद में 25% बढ़ा रहे हो, तो 120 का 25% 30 होता है, तो 150 रुपये होगा। बोलो, और इसने क्या कहा कि जो इनिशियल एसपी है ये फाइनल एसपी के बराबर है, तो ये हमारा 120 का 100 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 100 के इक्वल होगा। भाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है ना, और इसके लिए सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 यहां भी होगा। बोलो, 100-100 कट गया, 30 से 4 बार, और ये 30 से 5 बार, यहाँ क्या हो जाएगा, 130 और 4, तो ये 520 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 4x, और ये हमारा 400 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू सीधे से क्या आ जाएगी, 120। बताओ क्या ये क्वेश्चन कठिन था, और क्या ये मैंने क्वेश्चन एक मिनट के अंदर किया? अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रैंडम आ जाए तो आप लगा ना पाओ, बड़े आराम से लगा सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि SP क्या होता है, CP का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन कितना 100। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे इसको अप्लाई करके ही लिखना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन बन पाता है। समझ आ रहा है? चलो, हाँ, इसका आंसर क्या हो गया, 120। आगे बढ़े, सबके समझ में आ गया है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबको ये क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा, इसमें मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, 2 मिनट का। पहले इसको ट्राई करो, देखो समय कितनी तेज भाग रहा है। ट्राई करो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता दें। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, अच्छा, एंड व्हाइल लॉस ऑन सेलिंग 10 बल्ब्स इक्वल्स सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स।
ऑल्सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ बल्ब एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब। एक मिनट समय खत्म हो चुका है, फिर से एक मिनट का समय दे रहे हैं, ट्राई करो। स्मृति मैम, साक्षी मैम, ट्राई करिए, अंजलि मैम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो हम एक काम करें पहले कि ए और मतलब कैंडल और बल्ब, इनके सीपी और एसपी, कैंडल का सीपी मान ले ए, एसपी मान ले बी, बल्ब का सीपी मान ले सी, एसपी मान ले डी। ठीक नहीं इस मतलब गलत आ रहा है। तो अब पहले पेट्रोल स्टेटमेंट, सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। ठीक मतलब क्या है कि 10 कैंडल बेचेगा तो 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब V माइनस A एक बल्ब पे, और ये 10 बल्ब पे करेगा तो बराबर किसके आएगा, 3 बल्ब के SP के, थ्री कर दें बोलो भाई। और अगर 10 बल्ब का लॉस होता है 4 कैंडल के SP के, तो लॉस का मतलब C माइनस D, और ये 10 का है, ये बराबर किसके है, 4 कैंडल के SP के 4B के। बोलो भाई बाद में क्या कहा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल है और कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ बल्ब। कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ बल्ब, ठीक है, मतलब हाफ है बल्ब का, तो सी और ए का रेशियो 2/1 होगा। बोलो अब देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है, ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट क्या है, 3D अपॉन 10B 10A इंटू 100 बोलो, और यहां से लॉस परसेंट क्या है, 4B अपॉन 10C इंटू 100, तो ये 100 से 100 गया और ये 10 से 10 गया और ये A 1 यूनिट है बोलो, और ये हमारा कितना है 2 यूनिट, और ये 2 से कितने बार गया, 2 बार गया, तो यहां से बी अपॉन डी हमारा कितना आ गया, 3/2, और यही हमसे पूछा था। क्या पूछा था, कैंडल और बल्ब के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 3:2। बोलो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन गया, कितनी आसानी से क्वेश्चन बन गया, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं आई, आप लोग को समझ में आया। देखो ये खेल इंपॉर्टेंट है, ये हम फिर से लिखे दे रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है। देखो कैंडल्स पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3D का हुआ, और सीपी कितने का लगाया, 10 ए का लगाया, भाई कैंडल का सीपी लगाया ना, और इनटू कितना, 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लॉस परसेंट, तो लॉस कितने का हुआ, 4B का हुआ, किस पर हुआ, 10C पर हुआ इंटू 100, तो पहले ये 100 से 100 काटा, 10 से 10 काटा, और A से C कटेगा 2 बार, और ये 2 से कितने बार, 2 बार, तो B अपॉन D कितना आ गया, 3/2, ठीक है। अरे तो वो तो गिवन था स्मृति मैम, वो तो गिवन था 2/1। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं आप लोगों के, ये क्वेश्चन आपको अगर ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन से होता है। इससे होता है एलिगेशन से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो ए शॉपकीपर शुड मिक्स 60 रुपीज पर केजी एंड 65 रुपीज पर केजी, दो प्रकार के हैं, पहला 60 का है, दूसरा 65 का है, किस रेट पर बेचे, किस रेट पर बेचे कि 10% का गेन हो अगर इतने का ये बेच रहा है। तो देखो SP हमारा आर्टिकल का 68.2 रुपीज पर केजी है, तो हमारे 10% के प्रॉफिट का है, तो इसका मतलब 110% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 68.2, तो अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 68.2/110 इंटू कितना होगा, 100, ये कटा, पॉइंट से जीरो कटा, इससे कितने बार गया, 62 बार, तो ये हमारा आ गया 62, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का, इनका 2 का,
तो आंसर कितना आ गया 3:2। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एलिगेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के आने चाहिए, ठीक है। चलो तो आजकल पता नहीं यूट्यूब पे क्या हो रहा है, मतलब वॉचिंग पूरी गिर चुकी है, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। तो आप लोग एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का बैच चल रहा है शाम के 5:30 से रात के 9:30 तक, उसके ज्वाइन करिएगा। सभी लोग महिंद्रास के ऐप को गूगल पे से डाउनलोड कर लीजिएगा, और सभी लोग 6:30 भी जुड़ा करिए हमारी मैथ्स क्लास के लिए, ठीक है। तो कल शायद आप लोग के मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊं, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस के ही, और उसके बाद मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा डिस्काउंट। मंडे से मैं क्या स्टार्ट करूंगा, डिस्काउंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज क्लास जुड़ने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सब लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, सबको वहां पे काम आएगा, जो आपका वहां डिस्कशन होता है काफी अच्छा होता है, ठीक है। धन्यवाद।